और अभी जो आप ये व्यू देख रहे हैं ना, कुछ दिनों में जब यहाँ होटल बन जाएगा तो यही व्यू आपको मिलेगा 20-25 हजार, 50 हजार के। ऐसे नंदी महाराज आपको कहीं देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां मैंने जिंदगी में पहली बार, जितने भी भगवानों को हम पूजते हैं, वो सिर्फ एक जगह में पहली बार मैंने आज देखा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बनारस में इससे खूबसूरत जगह मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन जस्ट 2 दिन पहले मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखता हूँ, जिसमें मुझे पता चला कि ये मंदिर आज से 3 साल के अंदर अंदर पूरी तरह खत्म होने वाला है और यहाँ पर बनेगा एक होटल। तो मेरे दिल में आया कि ऐसी खूबसूरत जगह को जमींदोज होने से पहले क्यों ना एक डॉक्यूमेंट्री बना ली जाए, ताकि ये हमारे और आपके दिलों में हमेशा के लिए बस। और अगर आपको ये मंदिर, ये जगह मेरे वीडियो के माध्यम से अच्छा लगे तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइएगा। आप जब आएंगे तो आपको ये छोटा सा गेट मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये गेट खोल के अंदर की तरफ जा सकते हैं। और अंदर चलने के बाद आपको इस तरफ मिलेगा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, और इसी के दाहिने तरफ यानी कि उस तरफ है महादेव का मंदिर। इस पृथ्वी पे नाक कटे दो कटे, एक शेष नाक, एक बासुकी नाक, तो ये बासुकी नाक है। तो यहाँ पे काल सब दोष की पूजा की जाती है। और ऐसे डिजाइन आपको ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बासुकी नाक है, और ये डिजाइन बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर, आपको ना ही के बराबर कहीं देखने को मिलेगी। माता अन्नपूर्णा का, ये आपके वासुकी नाग, गणेश जी, ये आपके यहाँ पर गणेश, और ये हमारे परमेश्वर। सिर्फ मंदिर के अंदर ही नहीं, बाहर भी मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। जो शंकर जी की मंदिर होती है वहाँ पे नंदी विराजमान है जी, पर नंदी अकेले विराजमान होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे नंदी के साथ उनके सेवादार भी मौजूद हैं। ये निकाल देखिए, ये जो बता रहे हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। नंदी महाराज के पहरेदार इस तरफ भी और इस तरफ भी मौजूद है। ऐसे नंदी महाराज आपको कहीं देखने को नहीं मिलते। तो अभी हम मंदिर के बाहर मौजूद हैं, और मैं आपको मंदिर के साइड साइड में दिखाऊँ कि ये सारे नारायण भगवान के अवतार हैं, ये सारे दिखाए गए हैं मंदिर के एंट्री गेट में। अभी हम लोग हैं ऊपर छत पर, और छत से मैं आपको सबसे पहले डिज़ाइन दिखाऊं मंदिर का। सबसे पहले आप डिज़ाइन पे गौर करें, ये डिज़ाइन आपको कितने ही मंदिरों पे, कितनी जगह। ये है शिव जी का मंदिर, ये है समुद्र मंथन। अच्छा, मैं इसको आपको जूम करके दिखा दूंगा। सामने समुद्र मंथन जो है अवलोकन किया गया है, और कारीगरी देखें आप। सबसे पहले बनारस में ऐसे मंदिर बहुत कम है, क्या खूबसूरत कारीगरी है। ऐसी कारीगरी वहाँ भी नहीं मिली थी मुझे। कहाँ पर? सर्वेद महामंदिर पे ना। अरे ये आपके बस की बात ही नहीं है, जो फन पे से कहते हैं कालिका। जितने भी चित्र आप देख रहे हैं सब में किसी न किसी भाव को दिखाया गया है, और इतनी बारीकी आप समझ सकते हैं कि किस वक्त की है, ये किस वक्त का ये मंदिर है। और इस तरफ भी नीचे, मैं आपको एक बार नीचे भी ले चल के दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत कारीगरी इस पर की गई है। ये देखिए, इससे खूबसूरत नज़ारा मैं आपको नहीं दिखा सकता। सामने सूर्योदय होता है सबसे पहले, ये तो आपको पता है। जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की सबसे पहली किरण ये देखिए यहाँ से पड़ती है, सीधा देखिए आपको दिख रहा है। वैसे तो जाली लगी है, जाली हट सकता है, जाली है महाराज। चलिए जाली हटा दिया गया, यहाँ से मैं आपको सीधा दिखा। अच्छा देखिए, यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं कि हमारे नारायण जी दिखाई दे रहे हैं, कितनी खूबसूरत है ना ये। ये देखिए, देखिए मैं इस वक्त कहाँ पर, सिर्फ आप जगह देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ भोसले घाट के पास, और आप यहाँ से ठीक सामने जो नज़ारा देख रहे हैं, जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, वो आपको पता चल रहा है कि कहाँ का है। ठीक है, यहाँ से आप बगल में मेरे देख सकते हैं गुरेरिया कोठी रेस्टोरेंट। ठीक है, और अभी ये देखिए, ये मैं छत पे खड़ा हूँ,
ठीक है। और आप इस जगह की वाइब देख सकते हैं, इस जगह की खूबसूरती देख सकते हैं, पूरा व्यू मिल रहा है आपको, ठीक है। और ठीक सामने आपके दोनों मंदिर, और ये जो दोनों मंदिर आप सामने देख रहे हैं, इन दोनों मंदिरों को यहाँ से हटा दिया जाएगा पूरी तरह। ये मैंने अभी सुना, या आप जगह देखिए या आप मंदिर देखिए, मैंने आपको मंदिर दिखाया, और हकीकत ये है कि एक रेस्टोरेंट की वजह से इस खूबसूरत मंदिर को कुर्बान होना होगा। देखिए इसी चीज़ को मैं एक्सटेंड करते हुए दिखा रहा हूँ, ये पूरा छत का एरिया है, और इधर से मैं आपको दिखाऊँ, देखिए दोनों मंदिर आपको दिख रहे हैं, और ये जो आप पूरा जगह देख रहे हैं यहाँ लोग रहते हैं, देखिए बच्चे लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कितने परिवार रहते थे, जिसमें से कुछ हट गए हैं, कुछ अभी भी मौजूद है, जिन्हें आगे चल के हटा दिया जाएगा। हाँ ये आप इधर से भी दिखा दूँ आपको मैं कि क्यों ये जगह है जो लोगों के रडार में है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत एरिया, और यहाँ से व्यूज़ देखिए आप, यहाँ से व्यू देखिए आप, इस तरफ और फिर इस तरफ। और अभी जो आप ये व्यू देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं फ्री में, और कुछ दिनों में जब यहाँ होटल बन जाएगा तो यही व्यू आपको मिलेगा 20-25,000 50,000 के किराए पे। क्यों भैया एक मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 मंदिर के चारों तरफ गुंबज बनाए गए हैं, और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये भैया के बच्चे हैं जो यहाँ लोग रहते हैं, और आप देखेंगे इस तरफ भी पूरे परिवार है जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ हमेशा सेवा कर रहे हैं पिछले 5 पीढ़ी से। देखिए ये जो जाली आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर मैं आपको पास लेके जाऊँ तो यहाँ से आपको महादेव के सीधे सीधे दर्शन हो रहे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या खूबसूरत नक्काशी है, ये देखिए, ये देखिए जितने भी मंदिर के हर एक जगह पे इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। अभी आ रहा आप सिर्फ नक्काशी देखिए, शायद मैं आपको उसकी महत्वता उतनी ना समझा पाऊँ, लेकिन आप इसकी नक्काशी देखिए, और ये पूरा मंदिर। अब आपको मैं एक बार पूरा गोल चक्र में दर्शन करा, ये देखिए पूरे मंदिर, ये देखिए ये पूरा मंदिर ऐसे बना हुआ है। आप देखिए आप लगभग हर जगह आप देख सकते हैं, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर हर एक जगह पे एकदम खूबसूरत नक्काशी। और ये देखिए ये जाली, यहाँ से भी वैसे ही व्यू, ये देखिए पूरा मंदिर यहाँ से ऊपर तक आपको दिखाई देगा। और ये देखिए ये हमारे महादेव जी का मंदिर है जो मैं अभी आपको यहाँ पर दर्शन कराया, ठीक है। ये आपने मंदिर देख लिया, देखिए ये पूरा क्षेत्र है। भैया जी ये इनका मंदिर बता रहे हैं, द्वारिकाधीश का मंदिर है, बीच में द्वारिकाधीश जी, और अगल बगल सत्यभामा और रुक्मणी। अच्छा इस मंदिर में राधा जी नहीं? हाँ इस मंदिर में ये विशेषता है, ये विशेषता यहाँ पर यही है कि इन सांवले द्वारिकाधीश है। हाँ ये बात आप सही कह, इस तरफ है हमारे माँ संगठा नारायण मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं डिटेल में। देखिए जैसा कि आप मैंने आपको उस मंदिर पर दिखाया, आप इस मंदिर पर भी देख सकते हैं, सेम उसी तरीके की बहुत ही भव्य और खूबसूरत नक्काशी आपको दिखाई देगी हर जगह। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, बताइए इस झरोखे से उस पार कोई भी खड़ा हो आप साफ फोटो ले सकते हैं, एक क्लियर फोटो आएगी। अच्छा आइए, इतने ये सेंटर में बनाया गया है कि एकदम, देखिए भैया किस बात किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, यहाँ से आपको जो सामने व्यू दिख रहा है वो सीधा झरोखा है, और यहाँ से अगर आप फोटो लेंगे तो आपको पूरा उस तरह का फोटो दिख जाएगा एकदम जैसे से ना आपके पूरा बनाया गया तो जरा सा भी 19-20 नहीं किया। देखिए और नक्काशी देखिए आप, बाल भैरव जी, गणेश जी, वासुकीनाथ, अन्नपूर्णा जी, महादेव और ये चतुर्भुज भगवान,
जिसका अधिक मास में पूजा होता है। नंदी महाराज, क्योंकि यहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, ये दरवाजा जस्ट खुद नया लगाया गया, पता चल रहा है। देखिए ये नवग्रह, नवग्रह ये हनुमान जी नर्मदेश्वर महादेव यहाँ साक्षात विराजमान है। उसके बाद औलाद प्राप्ति के लिए जो 11 रुद्र की पूजा की जाती है, यहाँ पे 11 रुद्र भी मौजूद है। 11 रुद्र गणेश जी, विष्णु भगवान, वासुकी नाथ, अन्नपूर्णा जी और नंदी जी। जो शैलपुत्री के दर्शन किए जाते हैं जी, वो सामने इस पे दृश्य पे दर्शन। और आपको मैं दिखाऊं, हर शायद मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको हर जो पोस्टर बना हुआ उसके बारे में जानकारी दे सकूं, लेकिन अगर आप में से कोई जान रहा है तो कमेंट करके बता सकता है। ये पूरा मंदिर, ये सामने से आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बार मंदिर का आउट दिखा दूँ, देखिए कि कितना खूबसूरत है। अब आइए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। इस तरफ देखिए कलाकृति, मैं आपको हर पिलर पे कलाकृति दिखाऊं। और क्योंकि मैं गांव से हूं, मैंने बहुत पुरातत्व देखे हैं, तो मैं इसकी महत्वता जानता हूं और मैं ये जानता हूं कि किस वक्त की है और कितनी पुरानी है। सारे कृष्ण अवतार के बने हैं ये सर कलाकृति, कृष्ण अवतार की द्वापर की। क्योंकि हम लोग भी ऐसी ही जगह रहते हैं और रहे हैं, महल काशी नरेश का हम लोग के साइड ही था। और अब आइए आपको मुख्य मंदिर के दर्शन कराएं। सामने है वो नारायण है, उनके जो बाएं हाथ पे हैं यानी हमारे दाहिने पे, वो माता लक्ष्मी है, और बाएं तरफ हमारे माता भू देवी का स्थान है। ये सब अवतार है। हाँ, मैं पहले मेरे को देखा। अच्छा, कुछ ऐसा ही उस वहाँ पर भी बना हुआ है। कलिकाल अवतार, बावन देवता, कश्यप अवतार, मश्यप अवतार, सभी अवतार की कलाकृतियाँ यहाँ पर। इसीलिए ये मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो सभी देवी देवता का दर्शन प्राप्त। ये बात तो मैं भी देखा, विशेषता सिर्फ एक जगह में, मतलब मुझे लगता है कि सारे भगवान आपको मिल जाएंगे, सारे देवी देवता मौजूद हैं यहाँ पे। और एक बार कोई अगर आ गया, एक बार दर्शन कर लिया और एक बार हाथ जोड़ लिया, यानी सारे देवी देवता का उसने दर्शन भी कर लिया, सभी युग के अवतार को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ तक कली काल भी आया, नहीं उसके भी अवतार यहाँ पे हैं। ये उसको भी दर्शाया गया। ये है गजेंद्र मोक्ष और ये गरुड़ भगवान जो कहीं नहीं देखते। अच्छा, इनका मूर्ति में पहली बार देख रहा हूँ लाइव। गरुड़ देवता है। जुतिया के दिन इन्हीं की पूजा होती है। इन्हीं की पूजा। अच्छा, दक्षिण मुखी हनुमान जो बहुत कम जगह दिखे जाते हैं। बिल्कुल दक्षिण मुखी हनुमान जी। मंदिर पे की गई कलाकारी देख के आप खुद बता सकते हैं कि ये किस वक्त का मंदिर है और इसकी क्या महत्वता होनी चाहिए इस वक्त में। अभी एक बार मैं आपको थोड़ी दूरी से इसका एक व्यू दे दूं मंदिर का। ये देखिए क्या खूबसूरत कलाकृति है, क्या खूबसूरत। इस तरफ देखिए, मैं आप लोगों को एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। ये जो रास्ता है ये घाट की तरफ जाता है, और वो जो आपको जाली दिख रही है उसी के जस्ट पीछे हम लोग हमेशा बैठा करते हैं। क्या बोल, हमेशा वही बैठते हैं। और आज हम लोग, अच्छा हम लोग हर बार सोचते भी थे कि ये रास्ता जाता कहाँ है, क्यों बंद है ये। आज मुझे पता चला कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता सीधा यहाँ पर आता है। कितनी अद्भुत बात है, नहीं? तो अभी मैं खड़ा हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आपको आना कैसे है। ये जो ठीक सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये मैदागिन तरफ से आता है, और इसी के जस्ट पास राम घाट है, और
यहाँ जो है माँ संकटा जी का मंदिर पड़ता है। माँ संकटा मंदिर काफ़ी फेमस है, आप चौक तरफ से आते हैं माँ संकटा मंदिर के जस्ट इस तरफ बढ़ते ही आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए सामने सामने लगा हुआ है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ पे आप मेंशन किए हैं उसी के देखिए ठीक सामने यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर लगा है। आप जब आएंगे तो आपको ये छोटा सा गेट मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये गेट खोल के अंदर की तरफ जा सकते हैं।